أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين उसलत वसलम असूल नबीमिन वालहीज वाज वसलम तस्लिम कसर फ़ाउदबिल्लमिल्तम मिन हमज़ी ऊनफ़ी ऊन सरअीम वर्फ़ इन्दर तनफामिन मोहतरम नादरन वसामिनलकुम वबरक हकूक़ व फाइज़ इस सीरीज़ में आप तमाम का दिल से इस्तबाल हैं पिछले दरूस में बात चल रही थी मैत के हकूक़ के सिलसिले में मरहूमिन फ़ौजशुदा लोगों के चंद बुनियादी हकूक़ का मैंने जिक्र किया था उन्हींक़ से मुतालिक जो वान लेकर आज मैं हाज़िर हुआ हूँ वह हैं फ़राइज़ की अदायगी मौत कब आएगी और किस हालत में आएगी ये कोई नहीं जानता इंसान के हालात बदलते रहते हैं हमेशा यासा नहीं रहते लिहाज़ा हर मैत के रिश्तेदार पर ज़रूरी हैं कि मैत के तल्ल से जहाँ ये मालूम लेते हैं कि वो उसने क्या छोड़ा है क्या उसकी मिल्कियत है विरासत में किस को क्या मिलने वाला है वहाँ वहाँ पर ये भी मालूम करना चाहिए कुछ हकूक़ व फ़राइज जो उसको अदा करना था अपनी ज़िंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हूक़ बाकी रह गए हैं और उनको चाहिए कि उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें और तजहीज़ व तखफीन के बाद सबसे पहले जो है उन ज़ूक़ को अदा करने की कोशिश करें अब देखिए ये हूक़ व फ़रज़ चाहे अल्लाह के तल्लक़ से हों अल्लाह के हकूक़ से मुतालिक हों या बंदों के हकूक़ से मुतालिक। अल्लाह के हकूक़ से त्लुक़ रखने वाले कुछ हकूक़ रोज़ों की ख़ज़ा हैं हज की अदायगी हैं इसी तरह जिन आमाल के सिलसिले में दलाइल के रोशनी की रोशनी मल ने रहनमाई की हैं उनकू को जान हैं अदा करने की पूरी कोशिश करें इसी तरह कुछ हकूक़ वो होंगे जो बंदों के हकूक़ से मुतल होंगे जिसकी अदायगी ज़रूरी है कि वारिसन और करीबी रिश्तेदार उसको निभाने की कोशिश करें अल्लाह के हकूक़ में सबसे पहली चीज़ अरोज़ों के ख़ा इस सिलसिले में रमज़ान के रोज़े हम जानते हैं हर अखलमंद इंसान पर जो बालि हो चुका है सेहतमंद है मुफ़ीम है उस पर ज़रूरी अगर किसी और की बुनियाद पर इंसान नहीं रख सका तो बाद में उसकी ख़ज़ा करेगा अगर ख़ज़ा किए बगैर अगर कोई मर गया है इंताल कर चुका है दुनिया से रुख्सत हो चुका है उसके वली की जिम्मेदारी है कि मरहूम की तरफ से उसकी ख़ा करें उमुल आयशा रौदील्ला तन से जो रिवायत मरवी इस सिलसिले में सही बुखारी की रिवायत पैर नबी सासन फरमा मम्माता सामा अनु वली यूहम कि जिसका इंतकाल हो जाए उसका वली जो है उसके रोज़ों की ख़ा करेगा उसकी तरफ से रोजे रखेगा इसी तरह अल्लाह के हकूक़ के सिलसिले में हज की अदायगी हैं हज की तकमील हैं अगर ज़िंदगी में किसी पर हज वाजिब हो गया था हज के जो शरूत हैं और मारूफ, अगर मुस्तती था उसके पास माल था जिसमानी ताकत थी वह तमाम इसबा वसाइल जिसका ज़िक्र अदीस में आया है अगर उसको अदा किए बग़ैर कोई वफात पा चुका है तो उसके वारिस को चाहिए कि उसकी तरफ से जो है हज करें और वो वारिस हज करे जिसने अपना हज अदा किया बुरैदा असलमी रौदी अल्लाह तु बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं रसोल्ला सल्ला वसम के पास बैठा हुआ था आपके पास एक खातून आई और उसने कहा मैंने अपनी वालदा पर एक लौंडी सदक़ा की थी लेकिन वो मेरी वालदा फोत हो गई तो रावी ने कहा आप सासन में फरमाया तुझे अज़र ज़रूर मिलेगा उसने वो लौंडी तुझ पर मीराज की सूरत में अल्लाह ने लौटा दी फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालदा के ज़िम्मे एक महीने के रोज़े थे क्या मैं उनकी तरफ़ से रोज़े रखूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम उनकी तरफ से जो है रोज़े रखो और उसने कहा उसने हज भी अदा नहीं किया क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर लूँ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम उनकी तरफ़ से हज कर लो ये सही मुस्लिम की रिवायत बाब उ ख़दा इस्सियाम अनिलमैत इस, इस बाब के तहत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह रम ने इस हदीस को नकल किया इसी तरह नज़र की तकमील है बंदा इंसान अपनी ज़िंदगी में नज़र मानता है नज़र कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम कर ले जिसको शरीयत ने अल्लाह ताला ने लाजिम नहीं किया वाजिब नहीं किया तो मैत ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी नज़र मानी जिसमें शरीयत की कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं थी कोई मुखालफत नहीं तो वारिसिन को चाहिए कि उस नज़र को पूरा करें इस सिलसिले में सही बुखारी की रिवायत सात बिन उदादा रदी अल्लाह तहु ने नबी करीम सलील्लम से दरियाफ़ किया कि मेरी माँ इंताल कर गई और उनके ज़िम्मे जो हैं नज़र बाकी थी नज़र की अदा अदायगी बाकी हैं कि क्या मैं उनकी तरफ़ से उनकी नज़र को पूरी करूं तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमायाओफ़ी नज़र कहाँ कि तुम उनकी नज़र पूरी करो तो इस हदीस से पता चला कि अगर नज़र मैत ने मानी थी और उसको अदा कर बग़ैर इंताल कर गया है तो जो भी जायज़ हैं जो काम जिसका करना शरीत में जिसकी ख़िलाफर्जी जिससे लाजम नहीं आती तो वारिसीन को चाहिए उसको पूरा करें इसी तरह अब्दुल्ल् बिन अब्बास तैना से इस सिलसिले में जो रिवायत आई है सुन नसाई की बाबुल हज हजनमयत नदर आई हज़ा में नक़ल की है कि एक खातून ने आकर एक खातून नज़र मानी थी और वफात पा गई तो उसका भाई रसोल्ला सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने मसला दरियाफ़ किया फरमा अल्लाह के नबीम ते सेम तो अल्लाह के नबी नबीसम फ़र आर आए तलखाना उख़ती की उखती का दिन उनकुंत कहाँ के बताओ अगर तुम्हारी बहन पर कोई कर्ज होता क्या तुम तो उसको अदा नहीं करते क्या उसकी तरफ़ से अदा नहीं हो जाता खाला नाम कहाँ के हाँ ज़रूर कहाँ फ़ख्र फ़ह अब बिल्फा कहाँ अल्लाह का कर्ज अदा करो अल्लाह ताला इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए इसी तरह सही बुखारी में बाबुल हज जीवन नज़ूर अनिल मैद के तहत इमाम बुखारी रम्तु लाई ने एक रिवायत नकल की है कबीले जो की मशहूर कबीला था उस खा خ... उस कबीले के खातून ने आकर अल्लाह के नबी वसल्लम से दरियात किया कि मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी लेकिन उसको अदा करने से पहले इंतक़ाल कर गई क्या मैं उनकी जानब से हज करूँ अल्लाह के नबी साने फ़रमाया कि हाँ ज़रूर फिर वही सवाल किया लौखा नाला उम्मी की दैनक ख़ादी कि तुम बताओ अगर तुम्हारी माँ पर खर्ज होता क्या तुम उसको अदा नहीं करती कहाँ कि अल्लाह का कर्ज है जब उसने कहा कि क्यों नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का कर्ज है अल्लाह का हक़ है और उसको अदा करना लाजमी है ज़रूरी है इसी तरह हुकूक के सिलसिले में देखिए कर्ज की अदायगी अगर मैत ने कुछ कर्ज लिया था अपने किसी दुनियावी ज़रूरत के लिए कोई भी जायज़ काम के लिए कर्ज का ताल्लुक जो है बंदों के हुकूक से हम जानते हैं इसलिए ऐसा हक़ है कि जब तक बंदा माफ़ ना करे अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता और मैत की के सिलसिले में अल्ला के नबी सासन ने कहा कि मरने वाले के तमाम गुना माफ़ किए जाते हैं शहीद के बारे में भी कहा कि उसके तमाम गुना माफ़ किए जाते हैं लेकिन कर्ज बाकी रहता है कर्ज का मामला बाकी रहता है नफसमिन काम बिदई नहीं हती युक़दान सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी सासन फरमाए मोमिन के रोह कर्ज की अदायगी तक कर्ज़ के साथ महती उसका मामला अल्लाह तै रोक देते हैं परेशानी उठाना पड़ेगी जब तक अल्लाह त उस बंदा वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके मामले को कर देते हैं मुआखर कर देते हैं तो बड़ा जो है मसला रुकावट हो सकती है इसीलिए हमेशा प्यारे नबी ने ख़ुद कर्ज से जो है पनाह मांगी हैं अल्लाह के नबीमकरम तशहद तो की जो दुआएँ अल्लाह के नबीसम सेबित हैं अल्लाह के नबीसम ने गुनाह से और कर्ज से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी हैं और ख़र्ज़ की अदायगी वारिसन को जो है मैत के माल से करनी चाहिए मैत का जो भी छोड़ा हुआ माल अगर माल नहीं है वारिसन को चाहिए कि अपनी तरफ से अदा करें और अगर वारसन के पास भी वो मस्तती नहीं है उनके पास माल नहीं है तो ख़ानदान कबीले के या जो भी ज़िम्मेदार होते हैं माशरे समाज के उन पर हक़ बनता है कि वो अदा करने की कोशिश करें उसमें उनको अजर ववाब मिलेगा इस सिलसिले में सलमा रत से एक लंबी हदीस मरवी है जिसमें वो फरमाते हैं मुख्तर ये कि अल्लाह के नबी सा के पास तीन जनाजे लाए गए तो उस मौके पर आप साम ने पहले दो जनाजे जिन पर नहीं था कोई अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी तीसरे जनाजे के सिलसिले में जब बताया गया कि उस पर है दो तीन दिनार का जिक्र आता है तो अल्लाह के नबी सा ने कहा सलोला साहिबिकुम कहाँ कि तुम आपके साथी की नमाज़ पढ़ो मैं इसकी नमाज़ अदा नहीं करूँगा कतार रजी अल्लाह तहु ने आगे बढ़ कहा कि अल्लाह के नबी सल्ला सल्लम सल आ रसोल्ला दिन हूँ कहा कि अल्लाह के नबी सास में आप इनकी नमाज़ पढ़ा दीजिए इनका कर्ज़ मेरे ज़िम्मे है मैं उसका अदा करूँगा तो अल्लाह के नबी सास ने आगे बढ़ के नमाज़ पढ़ी एक और रिवायत में आता है कि जिस पर खर्ज था अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी और साहबा से कहा तुम उसकी नमाज पढ़ लो जो ख़ुदकुशी करता है इसी तरह जिस पर कर्ज बाकी हो के नबी सास में ऐसे लोगों की नमाज़ नहीं पढ़ाई तो जो माशरे में जो बड़े होते हैं ज़िम्मेदारान होते हैं वो उनकी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ताकि दूसरों के लिए इबरत बने ये मामला जो है इबरत बने कर्ज का मामला बड़ा अहम है तो ये चंद बुनियादी जो है हकूक़ या इस तरह के जो भी हकूक़ जिसका अदा करना मैत की ज़िम्मेदारी थी वारिसीन परिदारी हैं कि उसको अदा करने की पूरी कोशिश करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें अल्लाह के हकूक़ और बंदों के तमाम हकूक़ अदा करने की सदत अल्लाह नसी फरमाएँ इस सिलसिले में जो भी कोताहियाँ सुस्ती गफलत होती हैं अल्लाह ताला दरगुजर का मामला फरमाए ख़ास तौर तो से हकूक़ लिबाद में जो भी हमसे ग़लती होती है अल्लाह ताला माफ़ी मांगने की तौफ़ीक दे और अलव में गुनाहों से अल्लाह बचाए हर क़म के नक्स आए हर कसम के जुल्म से ज़्यादती से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हमारे शर से और दूसरों को शर से हमें बचाए हमारे शर से अल्लाह दूसरों, दूसरों की हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखें हालत ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातमा हो तो ईमान की हालत में हो कर्ज़ हर कसम के ख़र्ज़ जो अल्लाह बचाए आमीन सुमी व मालीना अल्लबलामबी अलकम व्लि वबरकू